और हमने क्या ऑर्डर करा भाई यहाँ पे? जो बहुत अच्छे तरीके से तंदूर किया गया है, नाम ही स्कैम इसका। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आरके और स्वागत करता हूं मेरे चैनल मेट्रो बाइट्स पे। तो आज के इस वीडियो में हम है विरार में, और विरार में हम बिल्कुल विवा कॉलेज के सामने, मेरे सामने बिल्कुल राइट हैंड पे विवा कॉलेज, और उसके सामने है पबजी रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं मोमोज। यहाँ के जो मोमोज है बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और मोमोज को ये थोड़ा यूनिक तरीके से बना के ये सॉल्व करते हैं पब्लिक को। ये जो प्लेस है बहुत ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है विरार में, क्योंकि यहाँ पे यंग क्राउड बहुत ज़्यादा आती है। ये कॉलेज के सामने होने के कारण यहाँ पे यंग क्राउड बहुत आती है, और बहुत ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है, और यहाँ पे भीड़ हमेशा लगी रहती है। आज संडे है, लेकिन यहाँ का क्राउड आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पे क्राउड कितना ज़्यादा है। तो यहाँ इस क्राउड को देख के आप पता लगा सकते हो कि यहाँ का फूड कितना ज़्यादा टेस्टी है। आइए चलते हैं, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं मोमोज। वैसे मोमोज के अलावा यहाँ पे फ्रैंकी भी है, शोरमाज भी मिलते हैं, लेकिन हम स्पेशली यहाँ पे आए मोमोज ट्राई करने के लिए। मोमोज में हमने चूज़ करा एक स्टीम मोमोज, चिकन स्टीम मोमोज, और दूसरा हमने चूज़ करा है तंदूरी हरियाली मोमोज। तो गाइड्स, अभी हम हैं पबजी रेस्टोरेंट में, और हमने यहाँ पे ऑर्डर करा है चिकन हरियाली मोमोज। ये थोड़ा नॉर्मल मोमोज से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ग्रीन चटनी में इसको डिप किया गया, जो आप जैसा कि आपने अभी देखा, ग्रीन चटनी में इसको डिप करके सीख में डाल के इसको तंदूर में लेकर जाएंगे। तंदूर का एक फ्लेवर आने वाला है इसके अंदर। इसको रेडी होने में 10 मिनट लगने वाले हैं, 10 मिनट का हम वेट करते हैं। तो ये प्रोसेस है, धीमी आंच पे इसको अच्छी तरीके से सेका जाएगा, उसके बाद एक बेहतरीन सा टेस्ट आई थिंक मुझे मिलने वाला है मोमोज में। तो गाइज, हमारे मोमोज की प्लेटिंग हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी फिलिंग कैसी है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए इसकी फिलिंग आप देख सकते हैं, चिकन मतलब चिकन भर के है पूरा अच्छे से। आइए ये अपने स्टीम मोमोज की फर्स्ट बाइट लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिप करता हूँ ग्रीन चटनी में, थोड़ी सी मेयोनीज लगाते हैं और लेते हैं इसका फर्स्ट बाइट। नाइस। इस मोमोज में चिकन की जो फिलिंग है बहुत अच्छे तरीके से करी गई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चिकन में एक टैंकी सा फ्लेवर आ रहा है, मतलब तीखा सा फ्लेवर आ रहा है, जो मोमोज को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना रही है। इनकी जो लाल चटनी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है मुझे मोमोज के साथ में। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, दिखाते हैं इसकी फीलिंग, जो बहुत अच्छे तरीके से तंदूर किया गया है। आप देख सकते हो चिकन इसके अंदर भर भर के डाला हुआ है। तो लेते हैं इसको भी डिप करते हैं वापस से रेड चटनी में, और अभी मैं इसको सबसे पहले इसको रेड चटनी के साथ ट्राई करता हूँ। एक तो इनकी ग्रीन चटनी का फ्लेवर जिसको तंदूर किया गया है, उसके बाद मोमोज के अंदर चिकन की जो फीलिंग है बहुत ही बेहतरीन है, और तंदूर करने के बाद तो और भी बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। दिस इज़ वन मोर रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। विरार आइए, विवा कॉलेज के सामने, पुराने विवा कॉलेज के सामने पबजी रेस्टोरेंट है, और यहाँ का मोमोज ट्राई कीजिए, और स्पेशली यहाँ का तंदूरी हरियाली मोमोज ट्राई कर देखिए, और यहाँ की जो लाल चटनी है ना, हो बहुत ही बेहतरीन। गाइस, जो हमारी जो नेक्स्ट प्लेस है वो है डकार फूड ट्रक, और ये जो प्लेस है वो फेमस है यहाँ के फ्रैंकी के लिए। ये फ्रैंकी बनाते हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा टेस्टी, और इनका मेन्यू आप देख सकते हो, नाम थोड़ा यूनिक सा है, ये इनका मेन्यू है, और इसमें इनके जो नाम है ना नॉर्मल नेम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर करा द स्कैम कॉक, जो कि 90 रुपीज़ का है। अच्छा, ये चपाती और नॉर्मल आटे वीट की है ना ये? हाँ सही है यार। ये आया पूरा लेटूस, और ये आया ये बीट कैरेट, ओके, ये अनियन, ये क्या डाल रहे हो? चिकन कौन सा? ये ग्रीन अच्छा ग्रीन चिकन, अच्छा नाम ही स्कैम है इसका भाई, यहाँ के फ्रैंकी में स्कैम है। तो गाइज आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है मुझे तो पहले ही ये बनते हुए ही। ये क्या डाल रहे हो? फ्राइड नूडल्स, और ये आ रहा है इसके ऊपर फ्राइड नूडल्स, ओके। स्कैम तो बड़ा स्कैम करने वाला है। ये आ गई भाई गार्लिक सॉस भर के,
तो ये अपना फ्रैंकी बन के रेडी है, अभी इसको हम पार्सल कराने वाले हैं। तो इसको अपने बाइक के पास जाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम आपको इसका रिव्यू देने वाले हैं। इसको इन्होंने पार्सल करा है एक एल्युमिनियम फॉइल में, जहाँ तक ये मैंने पहली बार देखा है। तो आइए सबसे पहले इसकी बाइट लेते हैं। तो ये मैंने इसको अनरैप कर लिया है और इसके अंदर तो क्या क्या फिलिंग डाली वो आपने देख ली है, तो मैं सीधा आपको इसकी टेस्ट के बारे में बताता हूँ। आइए टेस्ट करते हैं। लेटिस जो है वो भर के डाला गया है इसके अंदर। अब पर्सनली लेटिस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेटिस है, इसके बाद इसके अंदर चिकन है, सॉसेज इसके अंदर भर भर के डाले हुए हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो ब्रेड है ना वो व्हीट से बनाई हुई है, जो कि हेल्दी है। दिस इज़ वन मोर रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। विरार आइए, विवा कॉलेज के बाहर आइए, आपको यहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और जो कि मैंने आपको दिखाया मोमो सेंटर पबजी रेस्टोरेंट का, और दूसरा है ये फ्रैंकी। यहाँ आइए, यहाँ का फूड टेस्ट कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आती है वीडियो तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।